भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शाकुंभरी मां के आंगन में आप सभी को राम राम। हमारा ये स्थान मां शक्ति का स्थान है, हमारा ये स्थान मां शक्ति की साधना का स्थान है और हिंदुस्तान के हर कोने में शक्ति की उपासना आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि इंडी एलायंस के लोग खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। क्या कोई शक्ति को खत्म कर सकता है? क्या शक्ति के सामर्थ्य को चुनौती दे सकता है? क्या और जिन जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया है उन सब का क्या हाल हुआ है वो इतिहास में, पुराणों में अंकित है। आपने अपने आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रखी और मोदी ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। याद कीजिए, तब हमारा भारत दुनिया में 11वें नंबर की आर्थिक ताकत था। मोदी ने सिर्फ 10 साल में भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना दिया है। तब कांग्रेस सरकार ने भारत की छवि कमजोर देश, भ्रष्ट देश ऐसी ही बना के रख दी थी। आज बीजेपी सरकार ने भारत की छवि मजबूत और तेजी से विकसित होते देश की बना दी है। बनी है कि नहीं बनी है? पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? सारी दुनिया में देश का डंका बज रहा है ना? कैसे? ये दुनिया में डंका मोदी के कारण नहीं, आपके एक वोट के कारण दुनिया में डंका बज रहा है। 140 करोड़ देशवासियों के वोट की ताकत है कि आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। और इसलिए हिंदुस्तान के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। महिलाएं भी बोल रही हैं, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, गांव भी बोल रहा है, शहर भी बोल रहा है, एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार। आज एक बहुत शुभ अवसर है। आज भाजपा का स्थापना दिवस है। बहुत कम दशकों में ही भाजपा के साथ रिकॉर्ड संख्या में हमारे देशवासी जुड़े हैं। भाजपा ने लोगों का भरोसा जीता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा राजनीति नहीं राष्ट्र नीति पर चलती है। ये भाजपा है जिसने गरीब को 5 लाख रुपए तक के
मुफ्त इलाज की सुविधा दी। साथियों, कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। इंडिया अलायंस कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। यह हमारी पीढ़ी के लिए कितना बड़ा गौरव है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हमारा मिशन रहा है और ये मिशन भी पूरा हो चुका है। कश्मीर में पत्थरबाजों ने जो पत्थर फेंके थे वो सारे पत्थर जुटाकर मोदी उन्हीं से विकसित जम्मू कश्मीर का निर्माण कर रहा है। साथियों, बीजेपी सरकार बिना भेदभाव के काम करती है। हमारी सोच यही है कि सरकार की योजनाएं हर वर्ग, हर जाति, हर व्यक्ति तक पहुंचे। भाजपा ने गरीबों को घर दिए तो हर जाति, हर धर्म के लोगों को मिले। हमने गैस कनेक्शन दिए तो इसका लाभ भी हर वर्ग तक पहुंचा। हम नल से जल हर गली मोहल्ले तक पहुंचा रहे हैं। हमने पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है ताकि पारंपरिक कला से जुड़े सभी परिवारों की आय बढ़े। इसका लाभ हमारे सहारनपुर के शिल्पियों को बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। किसान की छोटी छोटी जरूरत को लेकर हमारी सरकार संवेदनशील है। आज देश में छोटे किसानों की पीएम किसान निधि के जरिए मदद की जा रही है। अकेले यहां सहारनपुर में ही 3 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 860 करोड़ रुपए सीधे भेजे जा चुके हैं। आज सपा की स्थिति यह है कि यहां हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। ये लोग उम्मीदवारों तक का फैसला नहीं पाला रहे। और कांग्रेस की स्थिति तो और विचित्र है, कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। जिन सीटों को कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी वहां भी उसे उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने तो देखा कुछ जगह पे जिसको उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, टिकट दे दिया, उसने दूसरे दिन इस्तीफा दे दिया। यानी इंडी गठबंधन अस्थिरता और अनिश्चितता का दूसरा नाम बन चुका है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। देश एक स्वर से कह रहा है, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। साथियों, आपने मेरा काम देखा है, हर पल देश के नाम। और मैं आपको कहता हूं, 24/7 फॉर 2047, 24/7 फॉर 2047, ये मोदी हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम। और इसलिए मोदी कहता है, आपका सपना,
आपका सपना मोदी का संकल्प है। ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। साथियों, वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ऐसे ही विराट संकल्पों के लिए मोदी को मोदी की गारंटी पूरा करने के लिए आशीर्वाद चाहिए, और इसके लिए सहारनपुर से हमारे साथी राघव लखनपाल जी और केरला से हमारे साथी प्रदीप कुमार जी को भारी मतों से विजयी बना करके संसद में मेरा साथ देने के लिए भेजना है। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा, करेंगे करेंगे, आपको अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने होंगे, तोड़ेंगे। आपके बूथ में पिछले तीन चुनाव में जितना मतदान हुआ है उसको रिकॉर्ड तोड़ के अधिक मतदान करवाएंगे। पिछले तीन चुनाव में आपके बूथ में जितने वोट मिले हैं उससे ज्यादा वोट बीजेपी को दिलवाएंगे। घर घर जाएंगे, बूथ जीत करके लाएंगे। मेरी आपसे अपेक्षा है इस बार इन दोनों लोकसभा सीट के सभी बूथों पर हमें जीत करके दिखाना है, दिखाएंगे। अच्छा, मेरा एक काम है, करोगे? बिल्कुल, मेरा पर्सनल काम है, ये राघव जी का भी नहीं और प्रदीप जी का भी नहीं है, ये मोदी का काम है। करोगे? करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? मेरा काम बहुत छोटा है। देखिए, हर घर जाना और हर घर जाके कहना कि मोदी जी सहारनपुर आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? हर घर में पहुंचा दोगे? बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।